आज हम लोग प्रेम माधुरी कक्षा 9 में जो दी गई है उसका आखिरी पद देखेंगे। हम लोग आखिरी पद की व्याख्या करें उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों को किसी भी चीज़ को सीखना है, रटना नहीं है। तो आइए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जो पहली लाइन दिख रही है, ये जो पहली लाइन आपको दिख रही है, ये कविता की ही पहली लाइन है। तो देखिए, इन इन का मतलब इन, दुखियान का मतलब दुखी आँखों, को का मतलब को, न का मतलब नहीं, चैन का मतलब चैन, सपने में, सपने मतलब सपने में भी मिलेगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए वाक्य क्या बन गया। इन दुखी आँखों को नहीं चैन, सपने में भी मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो वाक्य सही नहीं बैठ रहा है। इन दुखी आँखों को नहीं चैन, सपने में भी मिलेगा। जब इसको हम सीधा करेंगे तो वास्तव में वाक्य क्या बनेगा। देखिए, इन दुखी आँखों को सपनों में भी चैन नहीं मिलेगा। कहने का हमारे मतलब ये है कि कविता में जो सीधे सीधे अर्थ निकलता है वो ठीक, कभी कभी हमको अपने हिसाब से बैठाना पड़ता है, शब्दों को आगे पीछे करना पड़ता है ना। आप जैसे कि देख रहे हैं, जब हम इस कविता की लाइन को देखते हैं तो वाक्य बनता है इन दुखी आँखों को नहीं चैन सपने में भी मिलेगा, वाक्य गलत है। जब हम शब्द को आगे पीछे करेंगे तो सही वाक्य बनेगा, इन दुखी आँखों को सपने में भी चैन नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कविता में शब्दों को अपने हिसाब से आगे पीछे करके शब्दों को बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपनी व्याख्या पर चलते हैं। पहले एक एक शब्द का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। इन ही रहेगा, दुखियान दुखी आँखों को, न नहीं, चैन का मतलब चैन ही रहेगा, सपने माने सपने में भी, मिलियो मतलब मिलेगा, तासो मतलब इसलिए, सदा मतलब हमेशा। देखिए, व्याकुल विकल अकुलाएंगी, ये तीनों लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। व्याकुल विकल अकुलाएंगी यानी परेशान होंगी, अकुलाएंगी परेशान होंगी। प्यारे, समझ रहे हैं प्यारे, हरिश्चंद्र जू का मतलब श्री कृष्ण है। की बीती मतलब बीत गई, जान मतलब जानकर, अवधि मतलब अवधि या समय, प्राण मतलब प्राण, चाहत मतलब चाहते हैं, चले मतलब चले जाना, पय माने लेकिन, ये मतलब ये ही रहेगा, ये तो ही रहेगा, संग मतलब साथ में, ना मतलब नहीं, समाएंगी मतलब जाएंगी, देखो देखो एक एक ही रहेगा, बारहों बार न माने नहीं, नैन माने आँख, भर मतलब भर कर, नैन भर मतलब आँख भर कर, तो ही अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण को, याते इसलिए, जौन जौन का मतलब जिस, लोक मतलब संसार, जैहे मतलब जाएंगी, तहाँ मतलब वहाँ, पछताएंगी मतलब पश्चाताप करेंगी। बिना ही रहेगा, प्राण प्यारे अर्थात श्री कृष्ण, भय मतलब होना, दरस मतलब दर्शन, तुम्हारे मतलब तुम्हारे, हाय आप समझ रहे हैं हाय, मरे हूँ मरने, पय पर, आँखें ही रहेगा, ये खुली ही रहेगा, रही ही रहेगा, जाएंगी ही रहेगा। अब आइए हम लोग अर्थ देखते हैं, बहुत ही सरल है। गोपियाँ जो है अपनी आँखों की बेचैनी को, अपनी आँखों की विफलता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि क्या कहती हैं, इन दुखी आँखों को न चैन नहीं, सपने मिलियो सपने में भी मिलेगा।
इन दुखी आँखों को सपने में भी चैन नहीं मिलेगा। तासो इसलिए सदा व्याकुल विकल कुलाएंगी, इसलिए ये प्रियतम श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए हमेशा व्याकुल रहेंगी। प्यारे हरिश्चंद की बीती जान अवधि और प्यारे हरिश्चंद के लौटने की अवधि बीती जानकर, ये प्राण जो है, ये जो प्राण शब्द है इसको यहाँ जोड़ दीजिए। प्राण, प्राण चाहत चले, प्राण चले जाना चाहते हैं, पै लेकिन ये तो संग ना समाएंगे, लेकिन ये आँखें साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। देखूं एक बार हूँ नैन नैन भर, क्योंकि ये प्रियतम श्री कृष्ण को एक बार भी जी भर के नहीं देखी हैं। आगे जौन जौन लोक जय हैं, ऐसे में ये जिस जिस लोक में भी जाएंगी, यानी कि इन आँखों ने श्री कृष्ण को, अपने प्रियतम को आँख भर के नहीं देखा है, इसलिए ये जिस जिस लोक में जाएंगी तहाँ पछताएंगी, वहाँ पछताएंगी। बिन प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे, हे प्राण प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण, आपके दर्शन के बिना हाय, ये हाय शब्द जो है, ये हाय शब्द जो है इसको यहाँ जोड़ दीजिए। हाय मरहूँ पर, हाय मरने पर भी ये आँखें खुली रह जाएंगी, आपके दर्शन के लिए ये आँखें खुली रह जाएंगी। थोड़ा सा ये कविता बड़ी है लेकिन सरल है, फिर से एक बार हम आपको बताने का प्रयास करते हैं आप कैसे कॉपी में लिखेंगे। गोपी गोपियाँ अपनी आँखों की विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहती हैं, इन दुखी आँखों को सपने में भी चैन नहीं मिलेगा। इसलिए तासो इसलिए ये प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हमेशा व्याकुल रहेंगे। प्यारे श्री कृष्ण की आने की अवधि बीती जान करके प्राण चले जाना चाहते हैं, लेकिन ये आँखें बिना प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन के साथ जाना नहीं चाहती हैं। ये आँखें एक बार भी उन्हें जी भर के नहीं देखी हैं, इसलिए ये जिस जिस मरने के बाद जिस लोक में जहाँ जहाँ भी जाएंगी वहाँ पश्चाताप करेंगी। हे प्राण प्यारे श्री कृष्ण, आपके दर्शन के बिना मरने पर भी आँखें खुली ही रह जाएंगी, अर्थात मरने के बाद भी ये आँखें आपके दर्शन के लिए प्यासी रहेंगी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। इस तरह से हरिश्चंद्र चैप्टर समाप्त हुआ, कल हम लोग नए चैप्टर पर चलेंगे।